देश के विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन के दौरान बिहार से बाहर फंसे लोगों को सही सलामत अपने अपने जगह पर पहुंचाने के लिए चल रही ट्रेन। इसी दौरान आज अहमदाबाद में मुजफ्फरपुर पहुंची पहली ट्रेन। आपको बता दें कि गुजरात से प्रवासी लगभग 1200 मजदूरों को लेकर स्पेशल ट्रेन मुजफ्फरपुर स्टेशन पहुंची। मुजफ्फरपुर पहुँचने के बाद स्टेशन के पास बने कैंप में सभी यात्रियों का हेल्थ चेकअप किया गया। चेकअप करने के बाद इन यात्रियों को जिस जिले या प्रखंड में जाना था वहाँ की बस से रवाना कर दिया गया। ये साबरमती अहमदाबाद से ट्रेन आई है और मुजफ्फरपुर में अभी लगभग 1200 यात्री यहाँ पे आए हैं विभिन्न जिलों के। हम लोग अभी प्रत्येक बोगी के लिए एक एक काउंटर हम लोगों ने बनाया है जिसमें हमारे स्वास्थ्यकर्मी प्रतिनियुक्त हैं। वहाँ से हम लोग उनका न केवल पंजीकरण करेंगे बल्कि उसका स्क्रीनिंग भी करेंगे और स्क्रीनिंग के पश्चात प्रत्येक ज़िले के लिए क्रमांकित बसों के माध्यम से उनको संबंधित ज़िले में भेज दिया जाएगा। यही व्यवस्था अभी जितने ज़िले के लोग होंगे इसमें हम लोग अभी उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तभी फाइनल आंकड़ा बताएंगे। 1200 के करीब इसमें अभी मधुबनी के हैं, सासाराम के हैं, गया के हैं, दरभंगा के हैं, मुजफ्फरपुर के हैं, बहुत ज़िले के हैं। अभी वो अभी जब तक हम लोग पंजीकरण नहीं करेंगे तब तक पूरे आंकड़े पर कुछ भी कहना ठीक नहीं। सबों की प्रत्येक टेबल पर मेडिकल जांच हो रही है। यहाँ से सीधे हम लोग उनके ज़िले को भेजेंगे और वहाँ से फिर उन लोगों का अपना अपना व्यवस्था है। हम लोग यहाँ से पहले अभी इसको हमारा जो ज़िले का रजिस्ट्रेशन MIT में होता है मुजफ्फरपुर का वहाँ पर भेजेंगे, फिर वहाँ से कंसर्न प्रखंड के जहाँ के वो निवासी होंगे वहाँ के क्वारंटाइन सेंटर पर उनको भेजेंगे।